हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों, मैं हूँ विनोद सर और मैं आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 32 शुरू करने वाले हैं। बट इस प्रैक्टिस सेट के पहले हमने और एक लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स है वो वहां पर हमने कंप्लीट किया है। जैसे कि हमने एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन सीखा है, किस तरह से एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा जाता है, मोनोमियल क्या होता है, टर्म्स क्या होता है उसमें, कोएफिशिएंट क्या होता है, लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, ये सारे कुछ चीज उस बेसिक्स में आपको सिखा कर दिया है। अगर आप हमारा प्रैक्टिस सेट डायरेक्टली आकर विजिट करें या फिर देखने वाले हैं, तो आप सबसे पहले काम कीजिएगा, सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 आप लोग देख लीजिएगा, वो है बेसिक्स का। ओके, उसमें आप सारा बेसिक्स आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रिलेटेड में सिखा कर दिया है, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं ना, वो भी उसका बेसिक्स भी वहां पर है, जिसमें कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब कुछ उसमें सिखा कर दिया गया है। ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही छोटा प्रैक्टिस सेट है, सिर्फ एक क्वेश्चन है वहां पर आपको क्लासीफाई करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार विजिट करें ना, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ में अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चलिए अब भी बिना किसी देरी के एक शॉर्ट इंट्रो के बाद इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 32 का क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। सिर्फ इसमें एक ही क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या बोल के रखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ओके, तो आपको क्लासिफाई करना है। यहाँ पर कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख कर दिए गए, आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है भाई, सिंगल टर्म। ओके, सिंगल टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं मोनोमियल। जहां पे दो टर्म दिखेगा उसको हम लोग कहेंगे बाइनोमियल। दो टर्म, टर्म को सेपरेट कौन करता है भाई, प्लस और माइनस साइन। ओके, जैसे कि अगर आपको बोल दिया गया ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो इसको आप सिंगल टर्म ही कंसिडर करोगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस साइन दे दिया या फिर आपको माइनस साइन दे दिया, तो ये आपका बाइनोमियल हो जाएगा, दो टर्म हो जाएगा। ओके, ट्राइनोमियल क्या आएगा, तीन टर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और तीन से ज्यादा टर्म दिखा तो आप उसको पॉलिनोमियल बोलोगे। तो यहाँ पर आपको ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये अपने प्रॉपर बॉक्स में इसको फिल करना है। ओके, तो पहला वाला है यहाँ पर मोनोमियल, फिर उसके बाद बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। अब सबसे पहला क्वेश्चन देख लो, 7x। ओके, तो 7x क्या होता है भाई, एक सिंगल टर्म है। ओके, सो ये सिंगल टर्म वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल। तो इसको मोनोमियल के अंदर हम लोग लिख लेते हैं। सेकंड वन है 5y माइनस 7z। ओके, 5y और ये 7z के बीच में देखो माइनस साइन है। ये 5y एक सिंगल टर्म है और 7z एक सिंगल टर्म है, बट दोनों के बीच में माइनस साइन आया, तो ये दोनों टर्म अलग अलग टर्म बन गए, दो टर्म बन गए, इसका मतलब ये बाइनोमियल हो गया। तो यहां पर आप लोग लिख लेना 5y माइनस 7z। फिर नेक्स्ट आएगा देखो 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 11। ओके, 3x क्यूब एक सिंगल टर्म है, 5x स्क्वायर एक सिंगल टर्म है और 11 एक सिंगल टर्म है। तो ये, लेकिन ये तीन अलग अलग टर्म बन गए क्योंकि इनके बीच में माइनस साइन आ गया, तो ये तीन टर्म हो गया, ट्राइनोमियल का हो गया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 11। ओके, फिर उसके बाद देखो 1 माइनस 8 ए माइनस 7 ए स्क्वायर और माइनस 7 ए क्यूब। कितने टर्म का दिखता है बच्चों, यहाँ पर कितने टर्म का ये एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन है, चार टर्म का ये एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल में लिखेंगे। तो 1, फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस 8 ए है, फिर माइनस 7 ए स्क्वायर है और उसके बाद क्या है, माइनस 7 ए क्यूब है। ओके, और उसके बाद एक अभी फिफ्थ वन, फिफ्थ वन में क्या है, 5 माइनस 3। तो ये क्या है, दो टर्म का एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको आप लोग बाइनोमियल बोलोगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 3। फिर नेक्स्ट वन है देखो ए, ए मतलब एक सिंगल टर्म होता है, ए को हम लोग 1a भी कह सकते हैं। यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, सिर्फ वेरिएबल दिख रहा है, तो आप लोग उसका कोएफिशिएंट क्या ले सकते हैं, 1। ओके, तो आप लोग इसको a बोल सकते हो या फिर और करके आप लोग इसको 1a भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन है देखो फोर्थ, सेवेंथ वन क्या दिया गया, 4 दिया गया, 4 सिर्फ एक कोएफिशिएंट दिया, एक नंबर दिया गया, इसको हम लोग मोनोमियल में कंसिडर करेंगे। इसको आप लोग कॉन्स्टेंट मोनोमियल भी बोल सकते हो। कॉन्स्टेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक नंबर है। ओके, तो ये मोनोमियल तो है, लेकिन इसको आप लोग कॉन्स्टेंट मोनोमियल भी बोल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन, एक लास्ट है 8 वन, 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5। ओके, कितने टर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, कितना टर्म है भाई यहाँ पर, ये तीन टर्म है, तो तीन टर्म है, तो यहाँ ये कहाँ पर जाएगा, ट्राइनोमियल में जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखो 3y स्क्वायर माइनस 7y और प्लस 5। ओके, तो बच्चों इस तरह से सबसे आसान प्रैक्टिस सेट था आपका इस चैप्टर का। ओके, आप लोग आई होप सबको समझ में आ चुका रहेगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट बच्चों इसका एक
एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम लोग भी इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पे, अभी ये तो प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाता है, हम लोग हमारा लेक्चर को भी यहीं पे फिनिश कर देते हैं। अगला जो लेक्चर आने वाला है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 33 का, जिसमें हम लोग पॉलिनोम, आप लोग एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन को आप लोग वहां पर ऐड करने के लिए सीखेंगे, किस तरह से आपको एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसको ऐड किस तरह से किया जाता है, और उसके बाद वाले प्रैक्टिस सेट में आप लोग को सब्ट्रैक्ट भी करना है। ओके, सो आई होप आपको आज का वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार विजिट किए हैं और चैनल पूरा आपने वीडियो को अंत तक देखा, अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड सी यू अगेन।